बरेली सर्किट हाउस में अल्पसंख्यक कार्यकर्ताओं और जिला पदाधिकारियों के बीच रहकर चर्चा की आने वाली कानून यूसीसी के बारे में अल्पसंख्यक समाज में घर घर जाकर लोगों को बताएं। पीयूसी से मुसलमानों को कोई खतरा नहीं है और ये कानून बहुत अच्छा है। लालपुरा ने बताया कि अल्पसंख्यक समाज, खासकर मुस्लिम समाज को अगर किसी तरह की कोई परेशानी है तो हमें राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष से संपर्क कर अपने उस भ्रम को दूर कर सकता है व आने वाले कानून के बारे में अपनी राय दे सकता है। हम सरकार को उसकी राय भेजने में मदद करेंगे। विरोधी राजनीति करें लेकिन देश के विकास में रोड़ा ना अटकाएं। मनजीत सिंह बिट्टू, देखिए इसमें मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरकार जो कर रही है कि पूरे जितनी भी देश की जनता है सबको समान अधिकार दे रही है, तो इसमें हिंदू ऐसा नहीं है कि मुसलमानों को किसी कोई अधिकार छीना जा रहा है या हिंदुओं को विशेष अधिकार दिया जा रहा है या सिखों का छीना जा रहा है। सरकार तो ये कह रही है कि इस देश के जितने भी नागरिक हैं सबको समान अधिकार मिले, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सरकार ये तो कह नहीं रही है कि अल्पसंख्यकों का अधिकार छीन लिए जाएँ या सिखों के छीन लिए जाए, हिंदुओं के छीन लिए जाए। जब सबको बराबर का अधिकार मिल रहा है तो इससे बहुत ज़्यादा जो बेनिफिट सरकार चाहती है, जो बेनिफिट हिंदू समाज को मिल रहा था, क्योंकि जो जैसे लोग कहते हैं कि हिंदूवादी सरकार है या हिंदुओं के समर्थन से बनी सरकार है, तो सरकार ये चाहती है जो फ़ायदा, जो बेनिफिट हिंदू समाज को मिल रहा है वो मुस्लिम समाज को भी मिले। जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है उसके बारे में लॉ कमीशन ने कुछ सुझाव मांगे हैं, एक क्वेश्चनियर भेजा है। मैं समझता हूँ जिस लोगों ने जो भी कुछ कहना है उनको लॉ कमीशन के साथ बात करनी चाहिए। एक अच्छा कॉन्सेप्ट नोट जैसे बना है वो भी साथ में है, अब पढ़ के विचार कीजिए। जहाँ आप चाहते हो उसके बारे में लॉ कमीशन को बताइए, जो आपके डर हैं, जो आपकी लगता है कि इससे हमारा नुकसान होगा, वो चीज़ें लोगों को बताइए। लेकिन राजनीति के लिए, केवल विरोध के लिए विरोध करना, ये मैं समझता हूँ देश के विकास का में रोड़ा बनती है, रोकती है विकास। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।